Hello, my dear friends, this is Himani Singla and I welcome you all to my YouTube channel. So, dosto, humne jo hai engineering drawing ki basic information, basic introduction cover kar li hai. Humne isse pichli video mein ye bhi cover kar liya tha ki introduction drawing, engineering drawing kis purpose ke liye use hoti hai, kya message wo convey karti hai and projections kya cheez hoti hai. Aaj, friends, today we are going to learn about projection systems. There are two kinds of projection systems. One is first angle projection system and one is third angle projection system. Okay. First of all, we are going to learn about first angle projection system. Okay, friends. So, जो first angle projection system होता है, इसमें हम object की जो orthographic projection की visualization है, orthographic projection I hope you remember. अगर आपको इसमें अभी तक कोई भी doubt है, आप मेरी पिछली video को जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने orthographic projections के बारे में अच्छे से explain किया था. तो orthographic projection यहाँ पे हम first angle system में बनाएंगे. First angle system का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा object है that is placed in first quadrant. There are four quadrants according to our Cartesian system. So हमारा first quadrant जो है वहाँ पे हमने अपने object को place किया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारा observer है जो इस object को actual में देख रहा है. ठीक है, ये तो हो गया हमारा observer. उसके बाद अगर हम यहाँ पे first angle projection system को देखें तो ये जो orange है इसको आप मान सकते हैं vertical plane. ये जो reddish color में दिखाया गया है इसको आप मान सकते हैं horizontal plane. ये जो blue color में दिखाया गया है इसको आप मान सकते हैं profile plane. ठीक है, ये तीन तरीके के plane हैं. अब suppose करो ये हमारा observer है. ठीक है, ये इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से देख रहा है. ठीक है, अब ऑब्जर्वर हमारा इस ऑब्जेक्ट को अगर फ्रंट व्यू से देख रहा है तो उसकी हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है. आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ज़रूर होना चाहिए. तो यहाँ पे फ्रंट व्यू के लिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ये जो ब्लू वाला है फ्रंट व्यू के लिए वो होगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. और दोस्तों फर्स्ट एंगल सिस्टम में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. बिल्कुल ऐसा ही हो रखा है यहाँ पर भी. ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और उसके बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में पड़ा हुआ है. बिल्कुल सही बात है. तो यही फर्स्ट एंगल सिस्टम है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस के बीच में पड़ा हो. नाउ लेट्स ड्रॉ आउट द प्रोजेक्शंस. ओके, अब आ गया थर्ड एंगल सिस्टम. थर्ड एंगल सिस्टम जो है, जैसे फर्स्ट एंगल सिस्टम था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इन सेम वे जो थर्ड एंगल सिस्टम है वो होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में. फर्स्ट एंगल सिस्टम में हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. बट हेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. कैसे बिहाइंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है आपको इस डायग्राम से, इस पिक्चर से ज़रूर समझ लगेगा. ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया. ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जर्वर है हमारा, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ब्लू कलर का ऊपर, ये भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है. डिफरेंट डिफरेंट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे हमारे इस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ आएंगे. किसी पे साइड व्यू आएगा, किसी पे फ्रंट व्यू आएगा और किसी पे टॉप व्यू आएगा. वो आपको पता भी चल जाएगा किस पे फ्रंट व्यू है, किस पे साइड व्यू है और किस पे टॉप व्यू है. अब आप देखिए ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, उसके पीछे जो है ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. आप विजुलाइज़ करने की कोशिश कीजिए 3D में कि पहले प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. और इस केस में हमने प्रोजेक्शंस जो हैं वो तो फाइनल है, वो तो बिल्कुल श्योर है हम कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे ही बनेंगी। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है हम अपनी इमेजिनेशन में कंसिडर करते हैं दैट द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्रांसपेरेंट इन द केस ऑफ थर्ड एंगल सिस्टम। मेरे ख्याल से आपको ये समझ लग गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल सिस्टम एंड थर्ड एंगल सिस्टम। फर्स्ट एंगल सिस्टम में ऑब्जेक्ट जो है हम लेके चलते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है। थर्ड एंगल सिस्टम में हम लेके चलते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में पड़ा होगा, बट वेयर एज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम आर ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये दो मेन डिफरेंस हैं। एंड येस, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वी कंसिडर द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एज ट्रांसपेरेंट। तभी तो हम उसको विजुलाइज कर पाएंगे, तभी तो हम उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू ड्रॉ कर पाएंगे उस प्लेन पे, अगर हम उसको ट्रांसपेरेंट लेके चलेंगे, नहीं तो हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगा। ठीक है, दिस ऑल योर इमेजिनेशन। आपको इसको बिल्कुल 3D में इमेजिन करके सोचना है कि ये कैसा नज़र आएगा। पहले हम क्लियरली फर्स्ट एंगल सिस्टम की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बताया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में हम क्या इमेजिन करते हैं, हम क्या लेके चलते हैं, इमेजिन नहीं ले क्या लेके चलते हैं कि जो लाइट रेज हैं, जो प्रोजेक्टर्स हैं, दे आर म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन का साइज होगा दैट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। ये है थर्ड एंगल सिस्टम, इन्होंने दोनों ड्रॉ कर दिए साइड बाय साइड। फर्स्ट एंगल सिस्टम में भी ऑब्जेक्ट रख दिया आगे, थर्ड एंगल सिस्टम में भी रिप्रेजेंटेशन कर दी ऑब्जेक्ट की। थर्ड एंगल सिस्टम में थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, फर्स्ट एंगल सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। ओके, नाउ दिस इज आवर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। लेट्स सी कि हम उस फ्रंट व्यू को कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे, आपको क्लियरली आई होप समझ आ जाएगा। ओके, ये देखिए हमें फ्रंट व्यू से आगे वाला पार्ट ही दिखेगा, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन। ओके, बिल्कुल सही ड्रॉ किया है। ये स्मॉल स्क्वायर शेप्ड पोर्शन भी हमें फ्रंट व्यू में नज़र आएगा, बिल्कुल सही ड्रॉ किया है। उसके बाद ये जो उसके बाद रेक्टेंगुलर पोर्शन बच गया वो भी हमें फ्रंट व्यू में नज़र आएगा। बस फ्रंट व्यू में हमें यही ऐसा ही दिखेगा। आप आगे से इसको देखने की कोशिश करिए, ये आपको ऑब्जेक्ट 3D में दिखा रखा है इसीलिए आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आप एक बार सोच के अपनी रफ नोटबुक ज़रूर रखा करिए साथ में जब भी आप इस वीडियो को देखा करें। तो आप सोच के देखना कि इसका फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ होएगा, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। ये तो हो गया फ्रंट व्यू जो कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे बन गया, फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन हमने बना दी। उसके बाद हम थर्ड एंगल सिस्टम में भी फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा, बनेगा वहाँ पे भी सेम, बस डिफरेंस क्या है कि उसका जो फ्रंट व्यू है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे बनेगा जो कि ऑब्जेक्ट के आगे है, उसके प्रोजेक्शंस आगे पड़ेंगे, उसकी शेडो आगे आएगी, बिकॉज हमने उसको पहले ही ट्रांसपेरेंट ले चुके हैं। हम जस्ट इसका यहाँ पे मतलब दिखाने का ये है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में था वैसे ही स्क्वायर शेप्ड ऑब्जेक्ट बनाए साइड पे, इन द सेम वे वी गॉट अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों में फ्रंट व्यू वैसा ही बना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसा ही बनना चाहिए फ्रंट व्यू। उसके बाद ओके, अब हम देखते हैं कि इसका साइड व्यू कैसे बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये कौन सा साइड व्यू है, ये ऑब्जेक्ट की कौन सी साइड है। आप जैसे आप बैठे हुए हैं, जैसे आप इस वीडियो को नोटिस कर रहे हैं, उस तरीके से ही आप देखिए कि ये कौन सी साइड है। आपके अकॉर्डिंग ये राइट साइड है, तो जो हम व्यू ड्रॉ करने जाएंगे इसका वो कौन सा व्यू होगा, वो राइट साइड व्यू होगा। वो प्रोजेक्शन किसकी होगी, राइट साइड की होगी।
ओके, ऐसी ही प्रोजेक्शन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही ड्रॉ किया है आपको, राइट साइड से ये ऑब्जेक्ट एल शेप ही दिखाई देगा, बिल्कुल सही ड्रॉ किया राइट साइड। अब हम राइट साइड व्यू देखते हैं। राइट, अगर आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको हिडन लाइन के बारे में ज़रूर बताया था, राइट। वो हिडन लाइन क्या थी कि आपको अब जैसे यहाँ से राइट साइड व्यू से बिल्कुल एल शेप ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, बट आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कट है और उस कट की यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है। उस वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस कट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे डॉटेड वे में हिडन लाइन ड्रॉ करी है। बी केयरफुल, हिडन लाइन कब ड्रॉ करते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि जब हमें जो भी व्यू से हम नोटिस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जो सामने से हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो तो हमने बिल्कुल एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया एल शेप में, बट आपको पता है कि उसके पीछे कट भी है। अब हमने व्यूअर को ये दिखाना है कि वो कट कैसे दिखेगा इस पिक्चर में, इस साइड व्यू में वो कट को हमने हिडन लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। अब सिमिलरली हम उसको थर्ड एंगल सिस्टम में नोटिस करते हैं कि थर्ड एंगल सिस्टम में हम उसको कैसे बनाएंगे। ये भी हमने राइट साइड व्यू बनाया है और ये देखो यहाँ पे भी हिडन लाइन ड्रॉ हुई है। हिडन लाइन किसकी ड्रॉ की है अगर आप नोटिस कर पाए, इस चीज़ की हिडन लाइन, इस चीज़ की हम हिडन लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। वही हिडन लाइन की सीधी प्रोजेक्शन वहाँ गई है और वहाँ पे एक हिडन लाइन बन गई, ठीक है। यहाँ पे भी हिडन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है हमने। अगर आपको हिडन लाइन का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस ज़रूर देखें। ओके, नाउ लेट्स मेक द टॉप व्यूज इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। ओके, बिल्कुल सही है, टॉप व्यू से हमें इस तरीके का ब्रॉड एल शेप ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में हमें ये ऊपर वाली रेक्टेंगल भी दिखेगी। ये ऊपर वाली रेक्टेंगल हम देखते हैं वो कैसे प्रोजेक्ट की है इसने। एग्जैक्टली, हमने भी ऐसा सोचा था और बना भी ऑब्जेक्ट ऐसा ही है। अब आप सोचिए इसमें क्या कोई हिडन लाइन बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि साफ ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, बॉटम पे कोई ऐसी लाइन ही नहीं है, कोई ऐसी खाली जगह ही नहीं है कि उसकी हिडन लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है। इन द सेम वे लेट्स ड्रॉ द टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट भी हमें टॉप व्यू में नजर आएगा। ओके, अब ये बन गए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम में हमारे राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। राइट साइड व्यू हमारा ये रहा, फ्रंट व्यू हमारा ये रहा, टॉप व्यू हमारा ये रहा। अब हमने क्या किया, हमने इन प्लेन्स को एक कट मारा सीजर के थ्रू एंड वी हैव अनफोल्ड ऑल द प्लेन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे प्लेन्स को ये जो है अनफोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर तो हम फर्स्ट एंगल सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको प्रोजेक्शंस जो हैं, यू हैव टू मेक द प्रोजेक्शंस, यू हैव टू मेक राइट साइड व्यू, यू हैव टू मेक फ्रंट व्यू और यू हैव टू मेक टॉप व्यू बाई यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम, तो आपको इस तरीके से उसको बनाना है। इस तरीके से का क्या मतलब है, मेरा ये मतलब है कि आपको फ्रंट व्यू जो है ऊपर बनाना है। एक यहाँ पे आपके पास एक लाइन होगी यहाँ पे, जो आपकी एक रेफरेंस लाइन होगी, उस रेफरेंस लाइन को आप बोलोगे एक्स वाई लाइन। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी शीट्स लगाकर, ड्राफ्टर की हेल्प से, पेंसिल्स की हेल्प से अपनी शीट, अपनी ड्राइंग शीट्स पे ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ कैसे बनाने हैं, चाहे वो एक पॉइंट का ऑर्थोग्राफिक व्यू है, चाहे वो एक लाइन का ऑर्थोग्राफिक व्यू है, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक व्यू है। और ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक व्यू तो हमने देख भी लिया कि बनाना कैसे है, तो वो आप कैसे बनाओगे। फर्स्ट एंगल सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट एंगल सिस्टम में आप फ्रंट व्यू
उस एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर बनाओगे, टॉप व्यू नीचे बनाओगे। ये याद रखना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। और आपको ये समझ भी आ गया है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कट किया है प्लेन को और उसकी अनफोल्डिंग की है। क्लियर तरीके से आपको ये चीज़ मैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में समझाऊंगी, उसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा इस चीज़ के बारे में। बट एक दफ़ा आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा एंड राइट साइड व्यू लेफ्ट पे बनेगा। अगर आपको लेफ्ट साइड व्यू बनाने को कहा जाए तो वो फर्स्ट एंगल सिस्टम में राइट पे बनता है, तो वो यहाँ इस साइड पे बनता अगर आपको फर्स्ट एंगल सिस्टम में लेफ्ट साइड व्यू बनाने को कहा जाता। इन द सेम वे थर्ड एंगल सिस्टम में क्या होता है, जैसे फर्स्ट एंगल सिस्टम में हमने फ्रंट व्यू ऊपर बनाया था, यहाँ पे टॉप व्यू ऊपर बनता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है टॉप व्यू और रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है फ्रंट व्यू। बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जैसे फर्स्ट एंगल सिस्टम में फ्रंट व्यू ऊपर था, टॉप व्यू नीचे था, यहाँ पे थर्ड एंगल सिस्टम में टॉप व्यू ऊपर होता है, फ्रंट व्यू होता है नीचे की तरफ। और फर्स्ट एंगल सिस्टम ने हमने क्या किया था कि जो राइट साइड व्यू है वो लेफ्ट साइड पे बना था और लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड पे बनता है। बट थर्ड एंगल सिस्टम में राइट साइड व्यू जो है वो राइट साइड पे ही बनेगा और लेफ़्ट साइड व्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे ही बनेगा। मतलब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड व्यू बनाने को कहा जाता तो आप इस साइड पे बनाते। और लेफ्ट साइड व्यू में आपको मैं बता भी देती हूँ कि वो बनता कैसे ही। लेफ्ट साइड व्यू में भी यही एल शेप ऑब्जेक्ट बनता, क्योंकि लेफ़्ट साइड व्यू में भी यही एल है, आप अगर आप लेफ़्ट साइड से नोटिस करोगे। बट वहाँ पे इस हिडन लाइन की जगह, वहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइन बनती। मतलब जैसे ये डार्क लाइन है वैसे ही यहाँ पे भी डार्क लाइन बनती, क्योंकि वो चीज़ जब हम लेफ़्ट साइड से व्यू करेंगे उसको तो वो हिडन लाइन नहीं रह जाएगी, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है आगे से, ठीक है। तो वो हिडन लाइन जो राइट साइड व्यू में हिडन लाइन की फॉर्म में है, वो लेफ़्ट साइड व्यू में ऑब्जेक्ट लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको हिडन लाइन का कंसेप्ट भी यहाँ पे एक बार मैंने दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट रह गया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट रेगुलर अपडेट्स ऑफ दिस वीडियोज, दीज काइंड ऑफ वीडियोज, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको रेगुलर अपडेट्स इस वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड येस, द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है इस वीडियो के बारे में, यू कैन लीव योर